अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल जज़ीरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आसफाली। चलते हैं अब तक की इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों की जानिब। चित्राल में तबाहकुन सैलाब के बाद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी ने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए चित्राल के दोनों अजला में एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया और यकीन दहानी कराई के जिला पर चित्राल का रास्ता बहुत जल्द खोल दिया जाएगा ताकि खवातीन बच्चों और मरीजों को मुश्किल का सामना न हो जो इस वक्त सड़क न होने की वजह से पैदल सफर करने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानते हैं गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। हफ्ते के शब चतराल के दोनों अजला में तूफानी बारिशों के बाद जो तबाहकुन सैलाब आया था उसकी वजह से अभी तक जिला पर चतराल का मेन शाहरा हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद है। जिला पर चतराल के हजारों लोग रोजाना इस तबाहशुदा सड़क पर पैदल सफर करने पर मजबूर है जिनमें खवातीन बच्चे और मरीज भी शामिल है। सैलाब की वजह से नौ घर मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें पुल कड़ी फसलें मुतअद्दिद दुकानें और ज़रकाश जमीन के साथ साथ पीने और आपाशी की पानी की स्कीमें भी सैलाब बुर्द हो गए। जिला पर चतराल जाने और वहाँ से आने वाले खवातीन हजरात का कहना है कि उनको पैदल सफर करने में निहायत मुश्किलात का सामना है। आने जाने के लिए बहुत मुश्किलात होते हैं, लेडीज को तो काफी ज्यादा मुश्किलात होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे हैं जो बीमार होते हैं, आने जाने का बहुत ज्यादा मसला है यहाँ पे। जिला पर चतराल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वली खान की लाश के मुताबिक रास्ते की बंदिश की वजह से अदवायात वगैरह की भी किल्लत पैदा हो सकती है। इंटर डिस्ट्रिक्ट चलने के लिए पेट्रोल की शॉर्टेज है वहाँ पे, तो आप खुद सोचे कि अदवायात फिर कहाँ से आएंगे यहाँ से। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने दोनों अजला का दौरा करते हुए यहाँ इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया। चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दहानी कराई कि उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मुतालिक इदारों को हिदायत की है कि बहाली के काम को तेज करे। चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दहानी कराई कि बुरी सड़क से दो साल पहले ठेकेदार ने जो तारकोल उखाड़ कर उसे कंडरात में बदल दिया था उसे जल्द दोबारा तामीर किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने इस बात पर निहायत बरहमी का इजहार करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया कि बुरी सड़क की कुशादगी के वक्त ठेकेदार ने गैर कानूनी तौर पर बड़े बड़े पत्थर और सारा मलबा दरिया में फेंका था जिससे दरिया का सतह बुलंद होकर तबाहकुन सैलाब का बायस बना। इसी साहब ये देखें अगर ऐसे कुछ होता है डेबरी बीच में डालती है इंक्वायरी करें, क्योंकि इस वक्त जो कॉन्ट्रेक्टर काम करता है उसको बकायदा लीड दी जाती है कि वो इसको डिस्पोज करेगा सर, और ऐसी कोई शिकायत सामने आएगी तो वो फिर हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे सर। चीफ सेक्रेटरी के साथ डिप्टी कमिश्नर चतराल कमांडर चतराल स्कोट नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जनरल मैनेजर और दीगर अमला भी मौजूद था। चीफ सेक्रेटरी के हिदायत पर अब इस तबाहशुदा सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने का काम तेज हो चुका है। उनकी आमद से लोगों को उम्मीद पैदा हुई है कि बहालकारी के काम में अब तेजी आएगी और तबाहशुदा सड़कें और रास्ते दोबारा बहाल करके आवाम की मुश्किलात में कमी पैदा होगी। जिला पर चतराल का रास्ता हफ्ते के दिन मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ के खवातीन बच्चे बूढ़े पैदल सफर करने पर मजबूर है। ये लोग सूबाई और फाकुलतनों से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इनके रास्ते जल्द से जल्द खोल दिया जाए ताकि उनको अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचने में आसानी हो। अल जज़ीरा न्यूज चतराल। टच एंड गो करें एक बटन से धुलाई ऑन इजी मोड तो आप पेल फिट वॉश से लाइफ में लाओ नया स्पिन।